गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सकल के 12 बज रहे हैं, पर कोई नहीं, आज जाएंगे हम कॉलेज, ठीक है। तो बालों में कुछ कराने के लिए तो आपको दिखाती हूँ, बाल पूछे तो ख़राब हो रहे थे ना, तो इसलिए तो कुछ कराऊंगी मैं, जो भी कराऊंगी ना वो मैं आपको आगे बताऊंगी आगे चल के ब्लॉग में। आगे देखते रहना कि क्या कराऊंगी, कटिंग कराऊंगी या कोई मतलब किसी भी तरह का कोई कलर कराऊंगी, हेयर कलर या कुछ भी, जो भी कराऊंगी ना वो मैं आगे दिखा दूंगी। तो ब्लॉग में कंटिन्यू ऐसे ही देखते रहना, बने रहना। तो मिलते हैं कॉलेज जाने के बाद, अभी कुछ खा लेते हैं, नहा लेते हैं, खा पी के फिर कॉलेज जाते हैं। देखते हैं कॉलेज में कौन कौन मिलता है, कॉलेज जाऊँगी या डायरेक्ट उधर ही जाऊँगी। एजेंट मास्टर्स करके उनकी जो शॉप है, जिनका नाम है, ठीक है, सैलून का नाम है। तो अब मिलते हैं वहाँ पर जाके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में और ब्लॉग कंटिन्यू देखा करो, ठीक है गाइस। मिलते हैं न्यू लुक के साथ। कैब वाला भी नहीं आता, अगर कैब भी करते ना वो भी कैंसिल मार देता इधर देख के। और अब मैं जा रही हूँ बालों में कुछ कराने, बालों का इलाज करवाने, ठीक से करवा के आऊँगी। ये देख लो गाइस, ये हाईवे है जहाँ पर लोग वीडियो बना देते हैं ना, मतलब क्या है बना बना के रास्ते में देख लो। जाते जाते ही बारिश होने लगी थी, ये जब मैं जा रही थी ना तो जाते टाइम का ही हाल है ये। तो अच्छा हुआ मुझे ना ऑटो में बीचों बीच जगह मिली, अगर मैं साइड में बैठी रहती ना तो मैं सारी गीली हो जाती, बीच में बैठी थी इसलिए मैं भीगी नहीं। ये देख लो हमारे राजीव चौक का हाल है। ये कुम्मू है, कुम्मू को मैं कॉलेज में से ले आई कॉलेज गई थी, तो कुम्मू को भी इधर ही आना था और मुझे भी सेम जगह एजेंट में आना था, एजेंट मास्टर इधर आना था। यहाँ पर हम पहुँचे हैं, तो अभी अंदर गाइस कुछ वेट गेन का बता दो दोनों का, दोनों को बता दो गाइस, मुझे तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है बहुत ज्यादा, तो जल्दी बता दो। जिम भी इसको मतलब मेरे बराबर हो जाए, मैं थोड़ी सी और मोटी। हाँ, इसके जितना हो जाए बस इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए फिर मुझे, मतलब 65-70 तो हो कम से कम, इतना हो जाए बस बहुत है। और कल मंजू के होने वाले हैं स्ट्रेट बाल, सो आर यू एक्साइटेड? तो गाइस अभी देख लो, अभी देख लो ये कॉफ़ी और उसके बाद फिर देखना, ठीक है। रिजल्ट अच्छा आएगा, वैसे काफी अच्छी सर्विस देते हैं एजेंट मास्टर, पीछे दिखा दियो लोगों, दिखा देते हैं, बहुत अच्छी सर्विस देते हैं सच में। चलो अंदर का सीन दिखा देती हूँ। ये जितेंद्र सर, ये बाकी और वहाँ पर थे, इनका नाम नहीं पता मुझे, बाकी के जो स्टाफ थे, और यहाँ पर सभी अभी काम में लगे हुए थे और बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था, इसलिए फिर मैंने वहाँ पर जो वहाँ की वॉइस थी ना वो म्यूट कर दी, बाकी मज़े आ रहे थे उस वाली वॉइस में ज़्यादा। सो गाइस अभी है ना, ये इन्होंने लगा दी, पता नहीं क्या क्रीम की लगा दी, इसमें से बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा, तेल लगाने के बाद बाल चिपक जाते हैं ना बस ऐसा ही। अभी ये ना जब पूरे हो जाएंगे अभी ये वो करेंगे, देखो मैं फेद बाल करवा लूँगा इसे। एक आंटी बैठी है इधर, अब उन्होंने बालों में करा लिया, बिल्कुल वाइट बाल थे उनके, बिल्कुल वो सुंदर थे वैसे, बिल्कुल सीधी गर्दन के साथ है। मुझे बैठना था, बिल्कुल भी गर्दन नहीं हिलानी थी क्योंकि यहाँ पर प्रेसिंग चल रही थी और साथ के साथ ड्रायर से मेरे बाल सुखाए जा रहे थे, तो देखो मैं कैसे बैठ रही हूँ, बिल्कुल गर्दन नहीं हिला रही मैं। इस टाइम में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी क्योंकि मैं कभी एक जगह टिक के इतनी देर तक बैठ ही नहीं सकती, और यहाँ पर मैं बैठा रखी थी इतनी देर से, काफ़ी टाइम हो गया था, 2-3 घंटे शायद ज़्यादा ही हो गया था, और मैं बिल्कुल ऐसे ही चुपचाप सीधे से आधे बैठी थी। देखो फिर यार मैं काफ़ी टाइम हो गया था ना बैठे बैठे, मैं थक गई थी, भूख भी लगने लगी थी। फिर एजेंट वालों ने मेरे लिए मंगाए थे सैंडविच, मैं सैंडविच भी इतनी ज़्यादा मंगा दिया कि मेरे से तो खाया ही नहीं गया, फिर भी मैं मर गई यार क्या करूँ, खाना तो पड़ेगा ना। तो फिर ये इसमें चिप्स थी, सैंडविच थे, सैंडविच का डब्बा मैंने निकाला, फिर मैंने सैंडविच भी देखा, सैंडविच भी यार वैसे काफ़ी टेस्टी था सैंडविच, स्वीट ओम स्वीट से मंगा रखे थे, टेस्टी था, शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम ही खाया सैंडविच अपनी लाइफ में, सच बता रही हूँ मैंने कभी नहीं खाया, सुना भी है देखा भी, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता, बट वहाँ मजबूरी में मेरे को खाना पड़ा, बाकी टेस्टी था। पांच छह घंटे हो गए, पांच छह घंटे से ना बस मैं खाए जा रही, पहले तो सैंडविच मंगा लिया था, आते ही सबसे पहले पानी पिया, फिर उसके बाद कॉफी पी, ये सैंडविच अभी कोल्ड कॉफी।
तुमने आज की वीडियो देख के अंदाजा लगा लिया होगा था कि मेरी जबान कैसे चल रही थी कैंचियों की तरह, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठ सकती यार। कैसे कौन लोग होते हैं जो चुप बैठ जाते हैं, मैं इसे तो बिल्कुल नहीं बोला जाता, ऐसे चुपचाप है कि बिल्कुल नहीं रहा जाता। मैं यहाँ पे कंटिन्यू बोले जा रही थी, मेरी जुबान चल रही थी और इनके हाथ चल रहे थे मेरे बालों में कंटिन्यू, ना ये रुक रहे थे, ये अपने कंटिन्यू करे जा रहे थे वर्क और मैं कंटिन्यू बोले जा रही थी। और कभी कॉफ़ी पी रही थी, कभी कॉफ़ी मंगा रही थी इनसे, कभी भैया भूख लग रही है सैंडविच ले आओ, कभी कोल्ड कॉफ़ी। तो मुझे लगता है शायद मैंने इन्होंने परेशान कर दिया, लेकिन इन्होंने बोला नहीं मैम। तुम इस ब्लॉग को देख देख के ना शायद बोर हो गए इतने टाइम से, तो अब खुद सोच लो कि मैं कंटिन्यू एक ही जगह पर बैठी बैठी कैसे बोर हो गई होंगी। वैसे वहाँ उन्होंने बोर नहीं होने दिया, बहुत अच्छा स्टाफ था, मन लगाए रखा था मेरा और सॉन्ग भी पीछे यार। पूरा दिन फिर सुबह से शाम तक बालों में चला गया कराते कराते, और देखो शाम होगी और देखने में ऐसा लग रहा था कितनी रात हो रही हो। बाकी मौसम ख़राब था ना उस दिन, बारिश का मौसम था, इसलिए 7 बजे के आसपास का टाइम है, तो उस टाइम ऐसा मौसम हो रहा था और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, मतलब मज़ा आ रहा था। ये हमारे गांव का शनि मंदिर है, गांव के शनि मंदिर पर आते ही हमारा ऑटो रुक गया था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहा था रास्ते में, और ये बंद हो गया था ऑटो चलते चलते। पापा आगे लेने के लिए हेलो गाइस, वो आगे मम्मी जी और आयशा खड़ी है, आपको ब्लर ब्लर दिख रही होगी, अच्छे से गली का हाल देख लो ये। और मैं छाता लेके आई हूँ क्योंकि उन्होंने बोला था कि बालों को बचाना है बारिश से और पसीने से। आयशा लाइट हाँ हाँ अब जैसा लाइट आयशा कैसे नाचे अभी आगे ना भाजी ऑटो यहीं आके खराब हो गया, पानी तो इतना ज्यादा, रुको पहले बाय गाइस। गाइस ये देखो ये मेरे फोन से सेल्फी ले ली, सेल्फी तो बैक कैमरा कर दिया आपने, फ्रंट कैमरा करो, फ्रंट कैमरा करके दो। ये लो गाइस देखो फ्रंट कैमरा हो गया, सेल्फी लेगी नहीं पहले भोले बाबा देखेंगे, चलो जाओ आराम से उतरना ठीक। फाइनली मैं घर पर पहुंच गई, रास्ते में बहुत बारिश वारिश भी हो रही थी, जब मैं वहां से निकली ना तो एकदम से बारिश होने लगी। फिर हम बस स्टॉप का जो शेड होता है उसके नीचे बैठी, फिर ऑटो वाला आया तब आई, और क्या हुआ कि जैसे हम अपने गांव में घुसे ना, जैसे एंटर किया उसका ऑटो बंद हो गया क्योंकि पानी वानी में से निकाल के लेके आए ना अपने, बिल्कुल मंदिर पर आकर बंद हो गया। फिर पापा आए, भाई आया, कुलदीप वो लेके आए मेरे को, और मैं घर पहुंच गई। और उनकी सर्विस का इसमें नीचे आईडी मेंशन कर दूंगी और इंस्टा पर भी उनका पेज में मेंशन कर दूंगी, सीरियसली बहुत ही अच्छी उनकी सर्विस है, जैसे मुझे चाहिए थे ना बिल्कुल वैसे ही। और कलर्स के लिए बोल रहे थे तो मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया ना कटिंग कराया, क्योंकि मेरे को लॉन्ग हेयर्स पसंद है और कलर्स मेरे फैमिली वालों को पसंद नहीं है। हाँ और करा लेती तो ये बैठी मेरी मम्मी, बताओ मम्मी जी क्या होता, घर से बाहर घर में कुछ तिल्ले तुल्ले परेशान तो ये हाल होता, इसलिए मैंने कलर नहीं कराया। तो गाइस बताना कि ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं, ठीक है? तो हाँ सबकी फैमिली जैसी नहीं होती, मेरे फैमिली वालों को कलर अच्छा नहीं लगता, ये मुर्गा छाप से कलर होते हैं ना, लाल पीले गुलाबी है ना बरगंडी गोल्डन, अच्छे नहीं होते। और ये गाइस ये भाभी बैठी है, आइस को सुला रही है, आइस सोया पड़ा जूम कर दू थोड़ा सा, अरे हो के सुना रहे वही ना रहा, धूम नहीं होना, चलो कोई नहीं दिख गई गाइस भाभी जी। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, और अभी 2 दिन बाद फिर से जाऊंगे वो हेड वॉश करेंगे क्योंकि अभी केमिकल्स लगा है, और इसके लिए ना वो 2 चीज़ बताते हैं, एक तो पसीने से बचाने होते हैं हेयर्स, और एक पानी से बचाने होते हैं, क्योंकि केमिकल्स लगा कर छोड़ते हैं ना वो दिन के लिए 2 दिन के लिए, ताकि हेयर्स अच्छी तरह से स्ट्रेट रहे, ना इसमें रबड़ लगानी ना, ताकि बैंड आ जाएगा बालों में अगर लगाएंगे तो, ना रबड़ लगानी ना क्लेक्सर लगाना ना टाई करने वाले, बस ऐसे खुले रखने हैं। सो भी तो या तो बेड से नीचे लटका के सो, या फिर दोनों तरफ से हाफ हाफ करके आगे तब सो, तब तो आपके बाल ठीक रहेंगे, और अगर वैसे ही सो गए ना केयर नहीं करी तो ये बैंड हो जाएंगे बीच में से मुड़ जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। तो गाइस और ज़्यादा जानकारी के लिए उनके पेज को फॉलो कर लेना, ठीक है? मुझे बस इतना पता था, बाय बाय, गुड नाइट।